और हम बना रहे हैं क्रैकर स्टिक्स। अच्छा, फटाफट आइए तीसरी रेसिपी पे। मैं समझी मैं घर से बॉईल की हुई है, लेकिन नहीं है। अच्छा, क्रैकर स्टिक्स। बोनलेस चिकन लिए मैंने आधा किलो, 500 ग्राम। इसमें मैंने इसमें अभी डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्चें पिसी हुई 6 अदद थी 1 टेबलस्पून जितनी, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ये देखें ये रखा हुआ है, टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, और आधा कप पानी। बस इसको डालें और आप इसको बॉईल करिए जब तक कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। ये रमज़ान के लिए आपको बहुत काम आएंगे। बॉईल किए हुए, मैश किए हुए 2 कप, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, पक्की क्रीम चीज़, वो मैंने निकाल लिया है, पैन अपसाइड डाउन केक, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पतला हो जाए मेरा मिक्सचर। गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ, चूँकि मेरे पास सामने रखा हुआ है तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद चाट मसाला 1 टीस्पून, क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून, वन टी स्पून चाट मसाला, क्रश्ड रेड पेपर 1 टी स्पून, अभी नहीं हुई है, जैसे ही ये होगी और पानी खुश्क हो जाएगा मैं इसको निकाल के चॉपराइज करूँगी। अंडा 1 फेंट लीजिए, आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए, मिलती हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल तेज आंच पे डालना है।
या आप रमज़ान के लिए बनाएं, लेकिन ये फ्रीज नहीं होंगे बिकॉज इसमें आलू है। बनाएं और एक दिन के लिए फ्रिज में रख दें। बुरीतोज नाचोज को क्रश करके या लेस के वो ले लीजिए, उसको क्रश करके उसमें लगा लीजिए। मैंने ठंडे में डाल दिया, ठंडे में नहीं डालना है। अच्छा टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, मैं समझी गर्म है।